अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस ज़ोहा तबस्सुम। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग फोर्थ चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज, एंड टुडे वी विल डिस्कस फिफ्थ चैप्टर लिटिल बाय लिटिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द टाइटल इज लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल एंड अ कॉन्सेप्ट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे hidden deep in the earth away, little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. Okay students, so I'm going to explain this poem. स्टूडेंट्स, इस पोएम में बताया गया है कि जो बड़े पेड़ होते हैं ना, बड़े से ट्री होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी एक छोटे से बीज से करते हैं। यानी पहले एक छोटा बीज होता है, फिर उसमें से शूट निकलते हैं, रूट निकलती है, फिर लीव्स निकलती है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा सा पेड़ होता है। तो सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। द टाइटल इज लिटिल बाई लिटिल, यानी इसका मीन्स होता है टाइटल, मतलब लिटिल बाई लिटिल मीन्स होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इस पोएम में अकॉर्न के बारे में बताया गया। अकॉर्न जानते हैं आप लोग, अकॉर्न, ये अकॉर्न है, तो ये बीज होता है, या फ्रूट भी कह लीजिए, फ्रूट भी होता है, बीज भी होता है। तो ये ओक ट्री का बीज होता है, जिसको बलूत का पेड़ होता है ना, ये ओक ट्री है। तो ये अकॉर्न हो गया, ये एकदम इसका शेप जो होता है, आकार, वो कप की तरह होता है। इसे फ्रूट भी कहते हैं और ये सीड भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसे बोओगे तो इसमें से बोएंगे आप लोग तो इसमें से ओक ट्री निकलेगा, यानी प्लांट निकलेगा, फिर वो बड़ा होकर ओक ट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्न जो है वो अपने बारे में बता रहा है, यानी इस पोएम में अकॉर्न के बारे में बताया जा रहा है। सो लेट्स रीड। लिटिल बाय लिटिल, यानी धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉर्न सेट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक अकॉर्न कहता है कि धीरे धीरे मैं, यानी धीरे धीरे मैं धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो नीचे जा रहा था। सैंक का कहा मतलब होता है नीचे जाना, नीचे जा रहा था कहाँ पे, मॉजी बेड। मॉजी बेड यानी काईदार जगह, काई देखिए ना आप लोग, जहाँ पानी रहता है तो वहाँ काई लग जाती है, तो वहाँ पे ये नीचे जाते हैं, यानी जो वहाँ पे गीला एरिया रहता है या काईदार एरिया रहता है, तो वहाँ पे वो नीचे जाता है। क्योंकि जब हम बीज बोते हैं, अगर हम लोग बोते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं ना, ज़मीन को गीली करते हैं ना, तो इसी तरह वहाँ पे वो गीले एरिए में, यानी काईदार जगह पे वो नीचे जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। आई एम इम्प्रूविंग, कौन जाता है, अकॉर्न जाता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। फिर अकॉर्न कहता है कि मैं रोज़ बढ़ता हूँ, और रोज़ मैं ज़मीन के नीचे छुपता चला जाता है, यानी वो रोज़ बढ़ता है और वो ज़मीन की गहराई में छुप जाता है, अर्थ की गहराई में छुप जाता है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता है, कौन बढ़ता है, अकॉर्न, और उसके बाद धीरे धीरे वो ड्यू को पीता है। ड्यू का मतलब होता है शबनम, यानी ओस। अब ये कैसे पीता है, जैसे कोई बारिश, चूँकि तो ज़मीन के अंदर चला जाता है ना, तो बारिश उरिश होती है ना, तो बारिश होती है तो वो ज़मीन पे पड़ता है पानी, फिर वो धीरे धीरे नीचे जाता है, तो उसी को ये क्या करता है, पीता है। सिप का मतलब होता है पीना, तो वो पीता है। जैसे अगर हम लोग बीज बोते हैं, सीड्स बोते हैं, तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं ना, तभी ना प्लांट निकलेगा, बगैर पानी के निकल सकता है क्या। तो ये क्या करता है, पानी पीता है, यानी शबनम को पीता है। डाउन वर्ड सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। अब नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मीन्स होता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये क्या निकलता है, ये क्या भेजता है, अपनी धागे जैसी पतली पतली जड़ को भेजता है, यानी नीचे की तरफ इसकी क्या निकलती है, जड़ निकलती है। देखो यहाँ पिक्चर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नीचे जड़ निकल रही है ना धागे की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं, तो नीचे की तरफ, ज़मीन के नीचे की तरफ वो क्या करता है, जड़ भेजता है। और अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ऊपर की तरफ क्या करता है, ये शूट, यानी टाइनी शूट, छोटे से अंकुर निकलता है। शूट का मतलब अंकुर निकलना, यानी जो बीज में से थोड़ा सा निकलता है ना, ग्रीन ग्रीन पौधा टाइप, देखिए यहाँ पे ये चीज़, इसे शूट कहते हैं। यानी नीचे की तरफ इसकी रूट निकलती है और ऊपर की तरफ शूट निकलता है, इसे शूट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अंकुर निकलना इसे कहते हैं। लिटिल डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। अब दिन ब दिन और सालों साल ये क्या, धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी निकलने लगती है। यहाँ पे लीव्स है ना, पत्ते भी, पहले तो रूट निकलती है जड़, दूसरा फिर क्या, शूट निकलते हैं, यानी अंकुर निकलता है, और थर्ड में क्या निकलने लगता है, ये लीव्स यानी पत्तियां निकलने लगती हैं। अब उसके बाद क्या है, एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड,
टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। अब उसके बाद इसकी पतली पतली शाखें तब तक बढ़ती हैं, यानी निकलती हैं, फैल जाती हैं, यानी ये जो शाख यानी ये ब्रांचेस, ये ब्रांच अब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होता रहता है और इसकी शाखें एकदम फैल जाती है, बड़ा सा ट्री हो जाता है, एकदम माइटी ओक ट्री, यानी एकदम ताकतवर, माइटी का मतलब ताकतवर, और एकदम बड़ा सा ये ओक ट्री बन जाता है, यानी इसकी जो ब्रांचेस हैं तब तक ये बढ़ती हैं, तब तक ये फैलती हैं पूरा चारों तरफ, जब तक ये माइटी ओक ना बन जाए, यानी अभी तो ये अकॉर्न होता है, ये प्लांट रहता है ना पौधा, फिर बड़ा सा ताकतवर ओक का पेड़ ना बन जाए, और ये ओक का पेड़ फिर तब तक जब तक ये फॉरेस्ट की शान ना बन जाए, यानी इतना बड़ा हो जाता है कि ये जंगल की शान बन जाता है, यानी बहुत खूबसूरत लगने लगता है। पहले तो ये सीड रहता है, फिर सीड ज़मीन में जाता है, यानी ये अकॉर्न जो फल होता है इसका, ये ज़मीन में जाता है, ज़मीन में जाने के बाद इसमें से रूट्स निकलती हैं, फिर शूट निकलते हैं, या इसमें रूट निकली, फिर शूट निकला, फिर लीव्स निकली, फिर ब्रांचेस निकलती, फिर धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है, इसकी ब्रांचेस फैलती, इसमें फ्रूट लगने लगते हैं, ये है ना ये फ्रूट्स, फिर उसके बाद ये तब तक बढ़ता रहता है, तब तक इसकी ब्रांचेस फैलने लगती, जब तक ये ताकतवर यानी माइटी ओक ना बन जाए, यानी ताकतवर ओक का, बलूत का पेड़ ना बन जाए, और ये ताकतवर बलूत का जो पेड़ है, जब तक कि जंगल की शान ना बन जाए, यानी शान किसे कहते हैं, जिसे देख के अच्छा लगे, तो वो शान होती है, यानी इतना ज़्यादा बड़ा ताकतवर ना बन जाए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स एनफ फॉर टुडे, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू सम एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। सो अल्लाह हाफिज़।